हेलो, रेनी स्टूडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ नियोजन इकाइयों के अंदर सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस और कुछ और सब्जेक्ट्स के भी कितनी अवेलेबल सीट है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। चार पांच नियोजन इकाई का मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले है नगर परिषद जोगबनी अररिया, और यहाँ पर देखिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं। माध्यमिक का ये देखिए सबसे लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, शारीरिक शिक्षक उर्दू नृत्य संस्कृत, और इसकी जो टोटल सीट है वो इस हिस्से में दिख रही है। वन बाय वन सभी सब्जेक्ट का, जो चारों सब्जेक्ट यहाँ पर सभी का एक एक सीट है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी, ये तो माध्यमिक का था, अब उच्च माध्यमिक की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर ये आ गया उच्चतर माध्यमिक का। माध्यमिक में सोशल साइंस गायब था और उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस गायब है। मतलब इस जगह पर ना सोशल साइंस की सीट है और ना कंप्यूटर साइंस की सीट है। बाकी जो पाँच सब्जेक्ट भूगोल, EPS, मनोविज्ञान, अंग्रेजी और उर्दू जो कि उच्चतर माध्यमिक में दिख रहे हैं, इसमें भी एक एक सीट ही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो दोनों कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट है, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस, दोनों का दोनों इस नियोजन इकाई से, नगर परिषद जोगबनी से गायब है। अब हम चलते हैं अगले नियोजन इकाई की तरफ। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए ये नियोजन इकाई है नगर परिषद अररिया। नगर परिषद, जिला परिषद में सीट ज़्यादा होने का चांस होता है, और जो और ये उच्चतर माध्यमिक का है। सबसे लेफ्ट में सब्जेक्ट का नाम है और इस वाले कॉलम में टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी है, कितनी सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए उच्चतर माध्यमिक में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, EPS है, मनोविज्ञान है, अंग्रेजी है, मैथिली है, संगीत है, इतिहास है, कंप्यूटर साइंस फिर से गायब है उच्चतर माध्यमिक के अंदर। अब हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं माध्यमिक का क्या हाल है। ये आ गया माध्यमिक का, नगर परिषद अररिया है। सामाजिक विज्ञान यहाँ पर है, पर उसकी जो सीट है सिर्फ एक ही सीट है, और ये सीट है UR फीमेल के लिए, और बाकी सब्जेक्ट्स का आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग, अररिया का ही दोनों नियोजन इकाई था, दोनों में ही सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों की सीटों की बड़ी कमी है। अभी आपके स्क्रीन पर देखिए यह है नगर परिषद फॉरबिसगंज, और फॉरबिसगंज का हाल देखिए अभी जो देख रहे हैं ये माध्यमिक है। माध्यमिक में यहाँ पर सोशल साइंस गायब है, अंग्रेजी, नृत्य, ललित कला, गृह विज्ञान, फारसी और बंगला, ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, और इनमें जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा नृत्य में 4 अवेलेबल वैकेंसी है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं उच्चतर माध्यमिक की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए उच्चतर माध्यमिक में ये है हाल, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, EPS, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, मैथिली, संगीत, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर से गायब है। तो कुल मिलाए कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार चेक ज़रूर कीजिए कि उस नियोजन इकाई के अंदर कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं कि नहीं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उतनी दुश्वारी नहीं, उतना मुश्किल नहीं है। आप अप्लाई करेंगे, अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक है सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़ा सा आमतौर पर मुश्किल होता है। खासकर छठे फेज में अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस में तो उतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हद से ज़्यादा कंपटीशन है। मैथ में भी थोड़ा सा भीड़ दिखता है कई जगहों पर। तो ये मैंने आपको अररिया ज़िले के अंदर का ही कुछ नियोजन इकाई का डेटा दिखाया। अब हम लोग चलते हैं अगले नियोजन इकाई की तरफ। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए थोड़ा धुंधला है, पर इसको क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखे साफ। ये नियोजन इकाई है ज़िला परिषद जमुई का, और ज़िला परिषद जमुई में जो अवेलेबल वैकेंसी है, थोड़ा सा इसको आपको पाउस करके अच्छे तरीके, ये कंप्यूटर का है, ये पूरा कॉलम में जितनी भी वैकेंसी मेंशन की हुई है ये कंप्यूटर की वैकेंसी है, और सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का भी इधर ही कहीं होना चाहिए। खैर कंप्यूटर साइंस का देखते हैं, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर सिर्फ 3 ही सीट अवेलेबल है, और ये जो नियोजन इकाई है वो है ज़िला परिषद जमुई। तो ज़िला परिषद जमुई, जहाँ ज़िला परिषद में आमतौर पर सबसे ज़्यादा सीट होती है, ये बात मैंने कई वीडियो में बोला है कि सभी नियोजन इकाई का अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी ज़िले के अंदर, तो ज़िला परिषद में आपको सबसे ज़्यादा सीट मिलेगा, और एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस का खाता खुला, क्योंकि पहले तो ये हाल था कि कंप्यूटर साइंस की सीटें ही नहीं दिख रही थी। तो ज़िला परिषद जमुई के अंदर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी अवेलेबल है। अब हम लोग अगली नियोजन इकाई की तरफ चलेंगे और वहाँ का डेटा देखेंगे कि वहाँ पर क्या है हाल।
तो आपके स्क्रीन पर अभी मैं मूव करूंगा अगले नियोजन इकाई की तरफ और वहां का हाल देखेंगे। इसको आप अगर टोटल सीट देखें तो भले कंप्यूटर साइंस का इसमें 3 ही सीट हो, लेकिन ज़िला परिषद जमुई के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ अवेलेबल वैकेंसी है वो 431 है। ये राइट साइड पर आप देखिए 431 सीट है। तो ये हर सब्जेक्ट का ऐसा हाल नहीं है। और यहाँ पर जो सीट जो वैकेंसी अवेलेबल कराई गई है वो कैटेगरी वाइज आप देख, सबसे लेफ्ट साइड में कैटेगरी लिखा हुआ है, उसके मूव करेंगे तो फिर सब्जेक्ट वाइज उसको क्लासिफाई कर रखा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर कितनी अवेलेबल वैकेंसी है। तो अभी हम लोग चलते हैं अगले नियोजन इकाई की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या हाल है। एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस का खाता खुला है इस जगह पर आकर के। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए ये है नियोजन इकाई नगर परिषद औरंगाबाद। नगर परिषद औरंगाबाद सबसे लेफ्ट साइड में है। सब्जेक्ट का नाम बड़ा छोटा सा दिख रहा होगा आपको और कुल रिक्ति जो है वो इस जगह पर आपको दिख रही है। और इसमें अगर सोशल साइंस का अगर आप चेक करें तो सोशल साइंस लेफ्ट साइड में कहीं पर होना चाहिए। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, उच्च माध्यमिक का ही है ये, इसमें कंप्यूटर तो डेफिनेटली दिखेगा, तो कंप्यूटर साइंस की 0 वैकेंसी है। और नियोजन इकाई जैसा मैंने कहा नगर परिषद औरंगाबाद है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा जो माध्यमिक वाला है वहाँ पर देखते हैं। तो ये माध्यमिक वाला आ गया और इसमें सोशल साइंस ये देखिए इस जगह पर है। कुल 4 वैकेंसी है सोशल साइंस की इस जगह पर और इसी 4 वैकेंसी में और नहीं टोटल वैकेंसी है 4 यहाँ पर। तो कुल मिलाए कहने का ये मतलब है कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस इन दोनों की जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। कई नियोजन इकाइयों का मैंने डेटा देखा है, सब जगह पर यही हाल दिखता है कमोबेश। और जो सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस का दिखा इन नियोजन इकाइयों के अंदर वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसमें अररिया का था, औरंगाबाद का था, जमुई का था, बाकी ज़िले का भी डिपेंड करता है कि ज़िला कितना बड़ा है, उसके अंदर पॉपुलेशन कितना है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, स्कूल ज़्यादा होगा तो सीटें ज़्यादा आएंगी। तो अभी जो आपने जो ज़िले देखे हैं अररिया है या जमुई है या औरंगाबाद है, ये सब उस तरह के ज़िले नहीं हैं जहाँ पर स्कूल बहुत ज़्यादा है। जो बड़े ज़िले होंगे वहाँ पर संख्या अलग दिखेगी। कुछ ज़िलों के अंदर जैसा आपने देखा अररिया में कंप्यूटर साइंस का सीट ही नहीं है और कई छोटे ज़िलों में भी देखा कि वहाँ पर 5-6 सीट रहता है। तो हर एक ज़िले का अलग अलग हाल है, लेकिन अगर आप 6ठे फेज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार चेक ज़रूर कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, क्योंकि सही तरीका यही है। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखा गया है, मैंने पहले इस पर वीडियो बनाया भी था कि वैकेंसी नहीं होती किसी सब्जेक्ट के अंदर लेकिन अप्लाई करने वाले लोग पहुंच जाते हैं। वैसे में सिर्फ आप अपना टाइम और एफर्ट बर्बाद कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन, तो अपने ज़िले के NIC वेबसाइट में देखिए कि आपके ज़िले के अंदर किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। बाकी कंप्यूटर साइंस के जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उन्होंने तो पूरा बिहार छान मारा होगा। लेकिन अभी उसमें एक और चीज़ है कि अभी सभी नियोजन इकाइयों ने अपने डेटा को पब्लिक नहीं किया है। अगर आप देखें NIC की वेबसाइट पर अच्छी तरीके से 17 तारीख तक ही डेटा को अप्लाई ऑनलाइन कर देने का था, लेकिन उसके बावजूद भी कई नियोजन इकाई ऐसी हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग के जो ऑर्डर को नहीं माना और डेटा अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर। लेकिन काफ़ी सारी मोस्टली 80-90% नियोजन इकाइयों ने डेटा पब्लिक कर दिया है। कुल मिला के 9-10 ज़िले का तो मैंने दिखा दिया है। ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज़ का जिसमें मैं आपको ज़िलावार डेटा दिखा रहा हूँ, खास करके कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस का फोकस करके। तो कई ज़िलों का मैंने भी दिखा दिया, बाकी आप जिस भी ज़िले में अप्लाई करना चाहते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको भी आप चेक कीजिए। तो अभी के लिए बस यही सारी बातें थी, बाकी इस पर नज़र बना के रखेंगे। अभी तो लोग अप्लाई ही कर रहे हैं, अभी जब इसकी मेरिट लिस्ट आएगी तो अभी देखना होगा कि कितनी सीट बच पाती है या सभी सीट खत्म हो जाती है, क्या होता है किस सब्जेक्ट के अंदर। सोशल साइंस में नहीं बचे, है वो इस हिस्से में दिख रही है 1x1 सभी सब्जेक्ट का, जो 4 सब्जेक्ट यहाँ पर सभी का एक एक सीट है। अब हम चलते हैं दूसरी, ये तो माध्यमिक का था, अब उच्च माध्यमिक की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर ये आगे